सच्चे मत ही दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में है गाइज। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि जो ग्रिप्स लेके आए थे ना लबके पापा, तो ठाकुर जी को भोग लगा दिया था विष्णु भगवान को। उसके बाद लबके पापा को और बच्चे ये लोग है ना ग्रिप्स खाने लगे थे। और गाइस चेक इट आउट, कितनी तेज बारिश पड़ रही है, आप लिटरली देख सकते हो हालत हो गए। पानी थोड़ा पड़ गया, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। Look at this. Bye. गाइस इतनी बड़ी गलती कर दी आई थी अलमारी खाली करके, आप समझ नहीं सकते इतने कपड़े का ढेर हो रहा है गाइस कि भी मैं सेट नहीं कर पा रही हूँ। और गाइस फाइनली मुझे वो चीज मिल गई जो मैं इतने दिन से ढूंढ रहा था। और है ना, मैं आपको बता दूँ की लकी लोअर और लकी जैकेट वगैरह ये सब है ना मतलब वो लेके आए दादू की, जब वो तेज हुई थी ना तो मतलब इसी मतलब इस वाले बैग में जो हमारे यहाँ ये होती है ना, ये पग पग बांधने की रस्म होती है, इस थैले में ना लव के सारे कपड़े रखे हुए थे जो लव ने उतार नहाया था ना वहाँ पर, इसी में जैसे कि जैसे रखे हुए हमने देखे नहीं। और ये ना बैग है ना ऐसे इसमें रखा हुआ है ऐसे, और अभी निकालती है डाली में। उठा उठा उसको, उठा ना, उठा उसको, सब धुले ही गंदे कपड़े हैं गाइस। ये देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है। और मैं ये देखिए पलंग पे सारे कपड़े हो रहे हैं गाइस। और मैं बताऊँ गाइस कि अभी मुझे विष्णु भगवान का भोग बनाना है, दीपक रखना है, आज तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई बस बारिश भी और बारिश इतनी तेज हो रही है। और उसके बाद मैंने विष्णु भगवान का भोग बना दिया था और फिर खाना वगैरह हो गया था, फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो फिर मैंने वो क्लिप वगैरह लगाई नहीं। और ये है फ्राइडे का वीडियो है गाइज। और यहाँ पे बच्चे स्कूल चले गए थे, खाना मैंने बना दिया था क्योंकि आज मैंने ये सोचा था कि ये जो पलंग है ना इसकी मेरे को है ना पूरी क्लीनिंग करनी है पलंग की, क्योंकि है ना कई दिन से मेरे माइंड में था, क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ मेरे जितने भी हमारे कपड़े हैं ना सब ये पलंग में रखे हुए, नए पुराने जैसे भी जो भी पहनने वाले कपड़े थे वो हमने ना बहुत कपड़े, तो मेरी साड़ियाँ भी नई रखी हुई थी, तो फिर मैंने कहा चेक कर लूँ पहले पर क्या क्या है, क्योंकि मुझे ध्यान भी नहीं था। तो गाइस मैं बताऊँ कि यहाँ पे पलंग के सारे जो भी बैग वगैरह हैं थैले वगैरह हैं सब निकाल दूँगी। और आप कितना भी करो गाइस कि डस्ट हो जाती है पलंग में, दीपावली की सफाई हुई थी ना तभी का मतलब ये पलंग का साफ़ किया था मैंने, ज़्यादा नहीं निकली थी वैसे गाइस, लेकिन है ना फिर भी कितना भी करो हो जाती है। और ये है जो लेके आई थी मैं टाइल्स के लिए पोछा, तो मैं पलंग में ही रख देती हूँ और उसमें तो अच्छी तरह से वॉश करके तब मैंने रख दिया था ये, तो मैं लेके उसी टाइल्स वगैरह के पर्पज़ से ही आई थी, उससे अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं वो। और इसके बाद आपको देख सकते हैं आपकी आपके पलंग में कितने सारा सामान निकल आता है गाइस, पता नहीं चलता घर का जितना भी सामान होता है वो कितना काम का भी। और ये मेरा ट्राईपोड वगैरह सब इसमें रखा हुआ है, क्योंकि अभी ट्राईपोड का जो फ़ोन लगाने का स्टैंड होता है वो टूट गया है, तो इसलिए मैंने ये इसी में रख दिया पलंग में। और यहाँ पे गाइस इस तरह से, तो मैंने पहले ये सोचा था गाइस कि एक साइड का मतलब पलंग साफ़ करूँगी, लेकिन फिर मेरे को क्या हुआ कि फिर मैंने ना दोनों साइड का ही, एक साइड का इस साइड का मैंने कर दिया था, फिर मैं दूसरी साइड का भी मैंने सोचा कि इसको भी कर दो, तो हाथों हाथ मैंने कहा हो जाएगा, फिर नहीं होता है टाइम तो फिर नहीं हो पाता है, तो फिर दोनों दोनों साइड के किए थे गाइस, तो काफ़ी टाइम हो गया था। ये मेरी आप सबके यहाँ भी हो सकती है, ये जो पहले जो बनती थी ना गांव में ये टोकरियाँ, वो मेरे को मम्मी ने दी थी मेरी शादी पर, जब देते हैं ना टोकरियाँ आती हैं जब त्यौहार वगैरह चलते हैं फर्स्ट टाइम के, तभी ये दी थी। और इसमें जो भी कांच के ग्लास वगैरह रखे हुए हैं जो कि यूज़ होते नहीं हैं बस मैंने ऐसे ही रख दिए हैं, तो यहाँ पर गाइस पूरा अच्छी तरह से कर लूँगी पलंग को, अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी।
और गाइज मैं बताऊंगी, लबसुर भी होते ना तो फिर नहीं कर पाती मैं, क्योंकि वो जब नहीं होते ना स्कूल में होते हैं या रिको चले जाते हैं तो फिर मैं अच्छी तरह से घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। और फिर तो गाइज मैंने ना ये जो अलमारी है नीचे वाली अलमारी है वो भी की थी, तो कल तो मैं काफ़ी, कम से कम मेरे को 2 बज गया था पूरी क्लीनिंग करके फ्री हुई थी मैं, पूजा की थी मैंने, मेरे को 2 बज गया था। तो कभी कभी ऐसा रहता है गाइस कि टाइम तो हो जाता है घर की, अगर तुम एक्स्ट्रा काम करो तो उसमें तो हो जाता है, कितना भी करो आप। तो यहाँ पे इस तरह से पूरा कर दिया था, लेकिन और इसके बाद फिर मेरा ध्यान चला लबकी अलमारी पर, क्योंकि लबके भी कपड़े थे, मैंने कहा लबके उसमें अलमारी में से गर्म कपड़े वगैरह सब निकाल लिए थे गाइस। तो फिर मैंने कहा जो टी शर्ट वगैरह है उसकी अच्छी तरह से मैं तय बना के रख दी थी, उसके जो भी सामान है उसका अंडरवियर है, उसके जो भी शैंडो बनियान वगैरह हैं ये सब टी शर्ट वगैरह एक साइड, अगर उसको कुछ नहीं मिलती है ना तो फिर वो थोड़ा दुखी सा हो जाता है, और सारा सामान उसका मिलता है तो उसे नहीं रहता है, तो उसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो ये कि सुरभि के कपड़े सुरभि की अलमारी में होते हैं, लबकी अलमारी में, तो जो बच्चों को मिल जाते हैं ना तो फिर मेरे को दिक्कत नहीं होती है, बस यही रहता है। तो सुरभि तो अपने आप सेट कर लेती है, मैं उससे बोल देती हूँ, लेकिन लबको नहीं अच्छी तरह से आता है, तो उसका मैं और उस लबकी मैंने कई मतलब काफ़ी दिनों से मैंने देखा भी नहीं था उसका, तो मैंने कहा अच्छी तरह से कर दूँ। वैसे उसके ठीक ठाक रखे हुए थे कपड़े, तो इस तरह से गाइज। और इस समय मम्मी आ गई थी गाइज, और मम्मी को मैंने खाना दे दिया था, लबके पापा को भी खाना दे दिया था, और वो लोग खाना खा रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि किचन की पूरी क्लीनिंग करके ही फिर मैं नहाने जाऊंगी, तो आज काफ़ी मुझे लग रहा था कि आज तो मुझे लेट ही लेट होना है, तो यहाँ पे इस तरह से सारा काम हो जाएगा, बर्तन वगैरह सारे क्लीन कर दूंगी। तो गाइस 5:15 का टाइम हो गया है, और नल आ चुके हैं और मोटर मैं चालू करके आ चुकी हूँ, और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ गाइस, क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा हो गया था। लगभग 2 बजे मैंने पूजा की थी गाइस, बहुत लेट हो गई मैं पूजा करने के लिए, फिर खाना खाया था मैंने, फिर मम्मी आ गई थी आज घर पे, मम्मी आई थी, लक्की पापा लेकर आए थे, फिर उसके बाद मम्मी ने भी खाना खाया हम सब लोगों ने, और अभी भी मम्मी निकल के गई है, शूट नहीं किया मैंने मम्मी को, ध्यान में ही नहीं रही थी गाइस, मम्मी से बातें करते रहे, उसके बाद चाय बनाई थी, मम्मी को चाय दे दी, और बस अभी नल आए तो मोटर चालू कर दिया, कपड़े बड़ा वाला टब भर के मैंने सुबह से वॉशिंग मशीन दे दनादन चल रही है, पानी में निकालने है मुझे। अब मैं सोच रही हूँ कि लव होता ना तो वो क्या है कि पाइप पकड़ लेता है एकदम से, उठो ना तो गाइस पैर एकदम दुखने लगते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और इसके बाद जितने भी कपड़े हैं गाइस नल तो आ ही रहे थे, और मैं अच्छी तरह से फिर मैंने कपड़े को वॉश कर लूँगी, पूरी धुल तो गई है, बस पानी में निकालनी है, तो अच्छी तरह से निकाल दूंगी। और तो नल आते हैं तो जब अच्छी तरह से निकल जाते हैं, और एक साथ नहीं निकालूंगा गाइस, आधे कपड़े अब निकाल दूंगी, अब लगभग 5:30-6 का टाइम हो रहा है, और फिर निकालूंगी नाइट में निकालूंगी, क्योंकि एकदम तो मेरे से नहीं होगा, अभी फिर शाम का टाइम हो चुका है, तो फिर शाम का दीपक वगैरह भी रखना होता है ऐसा, तो शाम के आपको पता ही है दूध बॉईल करना होगा, मुझे अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह भी करनी होती है, तो इस तरह से शाम का काम भी बहुत सारा हो जाता है, तो जो भी कपड़े होंगे उनको मैं डाल दूंगी, और यहाँ पे भी डालूंगा इस पार्लर में भी डालूंगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं, तो ये बेडशीट है ना वो पार्लर में डाल दूंगी। और गाइस यहाँ पर हो रहा है ये टाइम हो रहा है 9:30 का टाइम होगा गाइस, क्योंकि लबकी पापा घर आ गए थे और फिर वो चले गए थे रिको नहीं गए थे मतलब डेरी पर गए थे, और यहाँ पे जितने भी बर्तन थे वो पहले मैं वॉश कर लूँगी, आटा मैंने लगा के रख लिया है, और सुरभि मेरे को प्याज छोंकनी थी, मैंने कहा प्याज और मिर्ची छोंक दूँगी, लेकिन सुरभि बोली नहीं माँ आलू को भी छोंकना है इसमें, तो प्याज मैंने सुरभि से बोल दिया था जल्दी काट दे, और उसके बाद सुरभि ने प्याज काट दी, मैंने आटा यहाँ लगा लिया था, और फिर क्योंकि लबके पापा का टाइम हो जाएगा तो पहले बर्तन वॉश कर दिए थे, उसके बाद एकदम गर्मा गर्म रोटियाँ मम्मी और मम्मी के लिए लबके पापा के लिए टिफ़िन तैयार कर दूँ, क्योंकि लबके पापा वहीं खाना खाएंगे, तो यहाँ पे एकदम गर्मा गर्म रोटियाँ बन जाती हैं, तो मम्मी तो मेरे से बोलती हैं कि तेरी रोटियाँ जब तक पहुँचती हैं ना तो गर्म होती हैं, क्योंकि मैं तभी बनाती हूँ जब लबके पापा आने वाले होते हैं उसी टाइम ही बनाती हूँ, तो यहाँ पे रोटियाँ सेक दूँगी, और दूसरी साइड में मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो गई है गाइस, तो सब्ज़ी सुरभि ने ही बनाई थी गाइस, मैंने उसे बताती गई थी मसाले वगैरह सब मैंने उसको दे दिए थे,
ऐसे मैंने कहा तू ऐसे करती जा, तो सब्जी तो बन गई थी, तो देखिए यहाँ पे धनिया वगैरह डाल दूंगी। तो सुरभि ने कल अपने पापा से दादी से बोला कि मेरे हाथ की सब्जी अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे बता देना। और तो इस सब्जी में थोड़ा सा है ना आमचूर पाउडर, मज़ा आ गया गाइस, प्याज आलू की सब्जी जो कि मैंने बनाई थी, बाजरे की रोटी गाइस। कैसी लगी है प्याज आलू की सब्जी? मैंने बनाई थी गाइस। कितना टाइम हो रहा है बज रहे इस टाइम? तो यहाँ पर गाइज मैं बता दूँ कि लगभग 11:30 का टाइम हो रहा है और लव के पापा पहुँच चुके हैं रीको, और मैं इस समय फिर जब वो लोग खाना खाने बैठते हैं ना तब फिर मैं खाना खाती हूँ। तो बस यही कहूँगी गाइज, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम, मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।